नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया भारती। पटना में 7 मार्च 2021 से मिस्टर बिहार बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर बिहार के अलग अलग जिलों से लगभग 200 खिलाड़ी पटना पहुंचे हैं। जी आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों से लगभग 200 खिलाड़ी जो है इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वही कॉम्पिटिशन को लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह नजर आया, जो खिलाड़ी थे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे इस कंपटीशन को लेकर। वहीं इस कंपटीशन का आयोजन पटना मिनी जिम हेल्थ क्लब द्वारा किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कंपटीशन में भाग लेने वाले जो भी चैंपियन खिलाड़ी है उनको 21,000 के इनाम की राशि के साथ ही आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं इस कंपटीशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मिस्टर बिहार 2021 पहली बार 7 मार्च को लोधीपुर साधना मैरिज हॉल में होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी सिर्फ ₹500 एंट्री फीस, ओपन चैंपियनशिप है, कोई बॉन्डेड नहीं है, कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है और जो खिलाड़ी इसमें जीतेगा उसको 21,000 रुपया इनाम कैश मिलेगा, 11,000 रुपया कैश मिलेगा और 5,000 रुपया कैश मिलेगा। और जो खिलाड़ी दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप के लिए भाग लेना चाहेगा उन्हें मैं एसोसिएशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री फीस एसोसिएशन देगा। केवल जाने के लिए सब प्रतियोगी तैयार रहे हैं। मिस्टर बिहार को लेके क्या कुछ लग रहा है, कैसी स्पोर्ट्स के भी यहाँ स्थिति है बॉडी बिल्डिंग की? बिहार में बॉडी बिल्डिंग की स्थिति थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गई है, जो कि एसोसिएशन में दो फाड़ हो गया है। एक एसोसिएशन है जो झूठ का उलंदा है, खिलाड़ी को खेल की भावना में नहीं रखकर पैसे की भावना से देखते हैं कि खिलाड़ी से पैसा लिया जाए, खिलाड़ी से पैसा लिया जाए, खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं राजू राज खिलाड़ी को अपने तरफ से, अपने एसोसिएशन की तरफ से, हमारे सहयोगी लोग की तरफ से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में आगे नेशनल खिलाने का। राजू जी, कारण क्या मानते हैं? आप काफी वर्षों से प्रयासरत हैं कि बॉडी बिल्डिंग हो या कसरत हो, हाँ, उसके बच्चे आगे जाए, मगर बिहार में इनकी प्रतिभा को उभार नहीं मिल रहा, हाँ, कारण क्या मानते हैं? वो तो सरकार की कमजोरी है। सरकार, हाँ, सरकार पहले क्लियर नहीं करती है कि एसोसिएशन में बॉडी बिल्डिंग जब रजिस्टर्ड है तो क्यों एसोसिएशन से बाहर कर दिए बॉडी बिल्डिंग को? खिलाड़ी को नौकरी नहीं मिलना क्यों 5 साल बैठा के रख दिए? तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द एचडी न्यूज़।